हेलो, आज के क्लास में देखेंगे कि ये जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन का जो ये डिजाइन है, ये फ्रंट में जो डिजाइन इस ढंग से है, इसको कैसे हमने कॉपी किया है नेचर से, और नेचर से कहाँ से, बर्ड है जिसका नाम है किंग फिशर, ठीक है। तो इस किंग फिशर के ये जो बीक है, जो चोंच है, इसके डिजाइन से हमने एक कॉपी किया है और इस डिजाइन को हमने बनाया है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि मिलियंस ऑफ द स्पेसिस टू मिमिक, ठीक है। बहुत सा ऐसा चीज़ है जिससे कि हम बने बनाए इन्वायरमेंट से हम कॉपी करते हैं। सबसे बड़ा जो इंजीनियर है वो कौन सा है? गॉड, ऑलमाइटी गॉड। वो इतने शानदार इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि इतने वास्ट यूनिवर्स यहाँ पे बनाए हैं और सब कुछ स्टेबल चल रहा है ना। तो इसलिए हमको बहुत कुछ अभी सीखना है। हम अभी क्या करते हैं, जब कोई ऐप लाते हैं, कोई ऐप है या कोई मोबाइल है, हर साल हर 2 साल में हम इसको क्या करें, अपडेट करते रहें। मतलब हम अभी सेचुरेशन में नहीं आए, हम क्या करते हैं, अपडेट कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारा जो शरीर है ये कभी अपडेट होता है? सेम, पहले भी 2 आँख, अभी भी 2 आँख, नाक से सब कुछ सेम है। तो ये चीज़ फाइनल स्टेज पर ये अपडेट हो के आ गया है। तो सोचिए कि हम लोग से कितना एडवांस्ड चीज़ बना हुआ है। इसीलिए हम इन्वायरमेंट के कुछ चीज़ों को कॉपी करके हम अपने ज़रूरत के चीज़ यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब इसका जो डिज़ाइन देखिए, ये जो बुलेट ट्रेन आपका है, इसका डिज़ाइन इससे पेन से मार्क कर देते हैं। इसका जो डिज़ाइन है इस ढंग से, ठीक है, ये डिजाइन आपका कहीं ना कहीं कॉपी किया गया है। इसके जो चोंच है, जो बीक है यहाँ पे, इसके जो यहाँ पे बीक है, ठीक है, सिमिलर शेप का यहाँ पे आपको बीक यहाँ पे दिखने को मिलेगा। सॉरी, ये बीक है यहाँ पे, सिमिलर शेप में आपको ये देखने को ये चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं कि जब बुलेट ट्रेन डिजाइन हो रहा था, जापानी इंजीनियर इसको जब डिजाइन कर रहे थे, तो डिजाइन करते टाइम एक लिमिट आ गया था जिसके आगे वो नहीं मूव कर पा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, अपना स्पीड हाई स्पीड था और हाई स्पीड को और ज़्यादा हाई करने का कोशिश में लगे हुए थे। तो अपग्रेड कर रहे थे किस चीज़ का, अपने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को। पर जैसे ही वो अपग्रेड कर रहे थे, एक प्रॉब्लम उसमें आ गया। और प्रॉब्लम क्या था कि डिजायर्ड स्पीड जो है वो अपना गेन नहीं कर पा रहे थे, जो अपना डिजायर्ड जो स्पीड था उसको नहीं गेन कर पा रहे थे। साथ में जब वो स्पीड को बढ़ा रहे थे, स्पीड जब वो इंक्रीज कर रहे थे, तो बहुत ही तेज़ वहाँ पे साउंड यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। जैसे कि आप लोग रेगिस्तान से वाकिफ़ हैं, तो आप देखिएगा कि जहाँ पे कभी कभी अकेला अगर कोई बिल्डिंग ऐसे है सुनसान इलाके में है, वहाँ पे जब हवा चलता है तो बहुत तेज़ वहाँ पे हवा बिल्डिंग से टकरा के दोनों साइड में गुजरता है, बहुत तेज़ वहाँ पे साउंड निकलता है एयर से। और इस कंडीशन में यहाँ पे ट्रेन में एक तो प्रॉब्लम ये था कि मैसिव अमाउंट ऑफ साउंड नॉइज निकल रहा था, दूसरी बात था कि यहाँ पे जो डिजायर्ड स्पीड इसी वजह से हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, कि जैसे ही स्पीड को इंक्रीज करते साउंड भी यहाँ पे निकलता, ठीक है। और क्यों निकल रहा था, क्योंकि हवा, मान के चलो कि ये ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन है तो अगर पहले हवा ऐसे आ रहा था, यहाँ पे हवा सभी जगह है, नहीं भी चल रहा है, स्थिर है, तो यहाँ पे हवा पहले से ऐसे है। अब जैसे ही ट्रेन यहाँ पे आया, तो क्या होगा कि इसको यहाँ पे रास्ता तो ये ब्लॉक हो गया इतना, अगर ट्रेन का ये हाइट है तो हवा क्या होगा, कुछ ऊपर से जाएगा, कुछ नीचे से जाएगा, कुछ साइड से जाएगा, इस ढंग से जाने का कोशिश करेगा। और इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एयर हेड,
एयर अहेड ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन के आगे है, तो ट्रेन उतना मान के चलो कि 400 किलोमीटर प्रति आवर से अगर मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हवा भी 400 किलोमीटर प्रति से यहाँ पे पीछे की तरफ रन करेगा, मतलब इसको क्रॉस करेगा, तो उतने देरी से यहाँ पे मूव करेगा, और जब मूव करेगा इसके रिस्पेक्ट में, ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या हवा यहाँ पे एक बहुत तेज़ साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे है। दूसरा प्रॉब्लम है कि जब भी कोई टनल, अगर कोई गुफा कोई पहाड़ के थ्रू अगर वहाँ पे, और जापान का आप देखे होंगे, जापान का जो नक्शा है बहुत ही लंबा इस ढंग से है, बहुत ही लंबा है, मतलब वो चौड़ाई उसका नहीं है, और उसमें भी कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाके, क्योंकि भूकंप आते रहते हैं, वोल्केनो पहले भी आए हैं, तो बहुत सारा, तो उसमें पहाड़ है, तो उसमें टनल्स बहुत सारा है। जब भी टनल से गुजरता था तो उसमें क्या होता था, हवा का प्रेशर और बहुत ज़्यादा तेज़ होता था, और हवा को डिस्प्लेस होने का, जाने का यहाँ पे जगह नहीं मिलता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि टनल में जैसे ही मूव करता था तो बहुत तेज़ यहाँ पे लाउड शॉक वहाँ पे वेव निकलता था, और एक शॉक वेव जो था बहुत तेज़ का झटका हवा की वजह से, ये क्या इसको बोलते हैं, इसका नाम जो है इसका बोलते हैं टनल बूम। ठीक है, और ये टनल बूम क्या करता है, बहुत सारा टनल का स्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज कर दिया था, तो ये तो बहुत नुकसान है, मान के चलो एक बार हल्का डैमेज किया, कंटिन्यूअस अगर डेली ट्रेन गुजर रहा है तो कुछ साल बाद क्या होगा कि वो पूरा टनल ध्वस्त हो सकता है, और इस डैमेज की वजह से, या भी पार्ट उसका टूट सकता है जो ट्रेन डैमेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है, पैसेंजर को, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे निकल के आ रहा था, और टनल से हमको गुजरना तो था ही, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, बीच में अगर पहाड़ आ रहा है तो टनल से ही गुजर के वहाँ पे जाना था। अभी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व करने के लिए सभी इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे थे, उसी में जो कॉन्सेप्ट आया, कॉन्सेप्ट देखिए सभी जगह कॉन्सेप्ट है, एरोडायनामिक्स, एरोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हवा यहाँ पे जो स्थिर है, जो हवा एयर ट्रेन के आगे, जो मान के हम अगर चल रहे हैं तो ट्रेन के आगे जो हवा स्थिर है, अब हम तेज़ी से जा रहे हैं, जैसे बाइक भी आप चलाते हैं, जितना तेज़ बाइक चलाते हैं तो उतना तेज़ से हवा आपको पीछे की तरफ धक्का देने का कोशिश करता है और साइड से निकलता है, लेकिन अगर हम लोग का क्या है, सरफेस कम है, अगर कार है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो और ज़्यादा टकराएगा, इसलिए स्पीड कार देखिएगा इसी फॉर्म में आगे से इस ढंग से रहता है ताकि हवा को आसानी से पास कर सके। ठीक है, तो दिक्कत कौन कौन सा है, दो दिक्कत है, एक तो बहुत तेज़ आवाज़, और दूसरा जब टनल में वो गुजरता था तो वहाँ पे बहुत तेज़ वहाँ पे वाइब्रेशन शॉक होता था, जिसके बाद टनल डैमेज हो जाता था। ठीक है, इसको हम अगर डिजाइन करने के लिए हमने क्या किया कि आगे उसका जो सरफेस है, ठीक है, जो ट्रेन का जो डिजाइन है, उस डिजाइन में कुछ हम लोग को सही नहीं लगा, उसको हमने क्या किया, चेंज करने का कोशिश किया, और चेंज कैसे किया, तो एरोडायनामिक तो नॉर्मल रहता ही है, ये तो सही बहुत पहले से कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन नोज, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन नोज मतलब ज़्यादा इस ढंग से यहाँ पे और लंबा यहाँ पे खींचा खींच कर ऐसे आता है। ठीक है, जितना लंबा नाक इसका लंबा रहता है, मतलब जितना इसका ट्रेन का आगे का पॉइंट यहाँ पे जितना लंबा रहता है, उतना हवा को आसानी से पास यहाँ पे मिल जाता है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ट्रेन इस ढंग से रहता है, इस ढंग से रहता है, ऑलमोस्ट ऐसे रहता है एकदम, तो यहाँ पे हवा आएगा तो इसमें टकराएगा, तो ये यहाँ पे दिक्कत है। बुर्ज खलीफा का जो डिज़ाइन है आप देखिएगा, या कोई बड़ा बिल्डिंग का डिज़ाइन है, जो पुराने बिल्डिंग्स होगा डैमेज होता है हवा के प्रेशर से ही, जो भी अभी नया डिज़ाइन होता है इस ढंग से डिज़ाइन किया जाता है कि हवा को आसानी से वो पास कर दे, जबकि वो बिल्डिंग मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जब हवा मूव करेगा तो हवा को पास होने के लिए वहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ तो क्या है, ट्रेन मूव कर रहा है बहुत तेज़ रफ्तार से और कंटिन्यूस मूव कर रहा है, तो उसके पास होने के लिए, हवा को पास होने के लिए बिल्कुल सही डिज़ाइन ना हो तो यहाँ पर साउंड होगा। तो इसको हमने कहाँ से कॉपी किया, इसको हमने कॉपी किया कि जो बीक है किंग फिशर के बर्ड, किंग फिशर बर्ड, ठीक है, जो आपने देखा यहाँ पे,
ठीक है, किंगफिशर बर्ड के जो चोंच है, चोंच के डिजाइन को हमने कॉपी करके यहाँ पे बुलेट ट्रेन का, जापानीज बुलेट ट्रेन का ये डिजाइन हमने बनाया। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट यही आया कि इसी डिजाइन का अगर बनाते हैं तो हम इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसका वजह क्या था? इसका वजह था कि जिसका जो किंगफिशर का बर्ड का जो स्पेशलाइज बीक था, जब भी वो शिकार करता था, ठीक है, जब भी वो पानी में क्या होता है कि पानी में बहुत आसानी से एक गौर लगा के देखता था मछली। यहाँ पे अगर मान के जब मछली है जहाँ पे, तो गौर लगा के यहाँ पे देख रहा है कहीं पे, और अचानक से यहाँ पे हमला करता था। अगर तेज, यहाँ पे मान के चलो हमला कर रहा है पानी में और बहुत तेज आवाज़ आएगा, तो क्या होगा, मछली वहाँ से मूव कर जाएगा। लेकिन इसका चोंच का डिजाइन इस ढंग से बना हुआ कि जैसे ही पानी में हमला करता है तो वहाँ पे पानी में जैसे टकराता है लिक्विड में, फ्लूइड में, आवाज़ बहुत ही कम करता है और आसानी से इसका चोंच अंदर चल जाता है, जिसकी वजह से वो मछली का शिकार कर सकता है। तो इसमें क्या है, इसका डिजाइन में देखा गया कि जब भी ये पानी से टकराता है तो इसमें बहुत ही कम आवाज़ यहाँ पे आता है, बहुत ही कम स्प्लैश यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो जब बहुत ही कम स्प्लैश यहाँ पे क्रिएट होगा तो उसी को हम यहाँ पे क्या है, मिनिमल स्प्लैश, मतलब बहुत ही कम ये आवाज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए यूटिलाइजिंग द न्यू नोज, इसी का डिज़ाइन को देख कर मैं ट्रेन का डिज़ाइन, ठीक है, हमने बनाया। और अभी जो जनरेशन, मतलब अभी जो बुलेट ट्रेन आ रहे हैं, इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन 500 सीरीज बोलते हैं, और ये ट्रेन जो है ये 10% ज़्यादा फास्ट यहाँ पे मूव कर सकता है, क्योंकि साउंड प्रॉब्लम को हमने रिड्यूस कर लिया। तो 10% फास्ट यहाँ पे मूव भी कर पा रहा है, पहली बात। और दूसरा है कि एक कंज्यूम करता है 15% लेस इलेक्ट्रिसिटी। क्यों 15% लेस? मान के चलो कि आप एक ट्रेन है एकदम सीधा खड़ा है, अब इसमें जब हवा इसे जब टकराएगा तो हवा भी और ज़्यादा धक्का से, कुछ सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है, तो हवा क्या करेगा, और तेज़ से इसके पीछे, ट्रेन आगे मूव कर रहा है, हवा इसको पीछे धक्का करने का कोशिश करेगा। अगर ट्रेन को वो स्पीड को मेंटेन करना है तो ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। पर इस कंडीशन में क्या है कि हवा आसानी से ऊपर रास्ता इसको प्रोवाइड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, तो ज़्यादा धक्का पीछे की तरह नहीं देता है, तो ट्रेन आसानी से आगे मूव कर जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप समझें, एक हथौड़ा को, मतलब एक बहुत ज़्यादा चौड़ा सरफेस एरिया है, उसको किसी चीज़ में आप धंसाना चाहते हैं अंदर तो नहीं धंसता है, लेकिन एक नीडिल अगर ले लें, नीडिल से अगर इसको आराम से धंसाना चाहेंगे अंदर, तो आराम से ये नीचे की तरह धंस जाएगा, अंदर चला जाएगा। सिमिलर वे में यहाँ पे इसका जो आगे नोज है बहुत ही पतला कर दिया, तो हवा को आसानी से काट कर आगे निकल जाएगा, हवा क्या करेगा ऊपर और नीचे से यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह से यहाँ पे पास आसानी से हो जाएगा। तो इसी को हम यूज़ करते हुए दोनों चीज़ फ़ायदा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम हो गया, स्पीड को भी आसानी से बढ़ा दिए, जो साउंड था, जो बहुत तेज़ साउंड क्रिएट होता था, उसको भी हमने क्या किया, रिड्यूस कर लिया। ठीक है, और टनन वाला प्रॉब्लम भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, नो मोर बूम यहाँ पे, नो मोर टनन बूम, क्योंकि टनन बूम क्या हो गया, अब उतना तेज़ आवाज़ शॉक वहाँ पे नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।